नहीं किया था। शियों का आपने रगड़ के रख दिया, यहाँ जिबा कर दिया मुर्गियों की तरीके से। एमक्यूएम उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थी। मुस्तफा कमाल उस वक्त खड़ा कह रहा था कि पूरे शहर को आग किसने लगाई, बाद में वही मुस्तफा कमाल कह रहा है कि एमक्यूएम वाले इन्वॉल्व थे। आप थे इन्वेस्टिगेशन में, आप लोगों का नाम आया, कैसी बात करते हैं? देखिए, अगर मुस्तफा कमाल ये सही बात कर रहा है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग मुस्तफा अपने साथ ले लिया। मुस्तफा ने पॉलिटिकली ये चीजें ईमानदारी से अगर लकीर की। देखिए, इस शहर में मेरा कहना है एमकेएम का शुरू में रोल बहुत अच्छा था। नुकसान तो वोट नहीं तक वोट किया, लेकिन झगड़े किए गए। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ वोट नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ पिछली दफा वोट दिया तो पिछले टाइम तक वोट दिया। वोट आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ की आइडियोलॉजिकली जितने हम क्लियर है। नहीं सर, आप मारते हैं उसके ऊपर कफन पे उसकी डालते हैं अपना परचम और आप वावेला करते हैं। ये एक दफा नहीं, 25 दफा हम देख चुके हैं। हमारे ही लड़के मारे गए। अरे क्या बात करें, मैं आपको 10 इंसिडेंट गिना दूंगा, 10, एक नहीं 10 इंसिडेंट गिनाऊंगा। जिस जमाने में हुआ वो गलत है, उसको हम भी कंडेम करते हैं। मुझे पता है नाज़िमाबाद की सारी स्टोरी। अगर वो नाज़िमाबाद में सीमेंट बजरी उतर जाए ना कहीं, तो बाबर गौरी को पहले पता चल जाएगा, इनके माल आ जाएगा। सबसे ज्यादा शिया मरे आप इसके ऊपर आवाज बुलंद करें। हम आपके साथ बोले जी, ये इलेक्शन में कैसे खड़े हुए? हम आपके साथ इस मामले में, बाकी सब आपके साथ। जितनी क्लैरिटी हमारी बड़े आपको आज अंदाजा ना, वोट की कोई बात नहीं। असल बात होती है कि आपकी जिंदगी में आपकी आइडियोलॉजी, हम तो उस आइडियोलॉजी के लिए मरते हैं। अगर आप हमारी इस बात को सच्चाई को जानते हैं तो हम वही हमारा मैं कंडेम कर रहा हूँ उनको जो मुझे मार रहे हैं।